हेलो दोस्तों, आईपीएल 2023 शुरू होने से पहले बात करें चेन्नई सुपर किंग की। तो चेन्नई सुपर किंग के इंजर्ड चल रहे प्लेयर मुकेश चौधरी, जो कि रूल्ड आउट हो चुके थे आईपीएल के लिए, और उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही थी। उनकी रिप्लेसमेंट पर अभी एक नया नाम अनाउंस कर दिया गया, आकाश सिंह, जो कि एक लेफ्ट आर्म पेसर बॉलर हैं, उन्होंने साइन कर दिया है मुकेश चौधरी की रिप्लेसमेंट के तौर पर। आइए आपको आकाश सिंह के बारे में बताते हैं। उनका फुल नेम है आकाश महाराज सिंह और वो भरतपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। उनकी एज है 20 साल, राइट हैंड बैटिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। मेन उनके प्लेइंग रोल की बात करें तो वो एक बॉलर हैं। उनके टीम्स की बात करें तो इंडिया ए अंडर 90s, इंडिया अंडर 90s, नागालैंड, राजस्थान और राजस्थान रॉयल्स से वो खेल चुके हैं। अब वो खेलने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। उनके करियर की बात करें तो फर्स्ट क्लास के 5 मैच की 7 इनिंग में उन्होंने 10 विकेट लिए हैं। उनका बेस्ट है 73 रन देकर 4 विकेट। उनकी इकोनॉमी की बात करें तो वो है 3.72। लिस्ट ए में बात करें 9 मैच की 9 इनिंग में उन्होंने 14 विकेट लिए है और 29 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट रहा है। उनकी इकोनॉमी की बात करें तो 6.04 उनकी इकोनॉमी है। T20 की बात करें 9 मैच की 9 इनिंग में उन्होंने 7 विकेट लिए, बेस्ट उनका 26 रन देकर 2 विकेट। उनका इकोनॉमी रहा है 7.87 का। बैटिंग की बात करें फर्स्ट क्लास के 5 मैच की 8 इनिंग में उन्होंने 65 रन बनाया, स्कोर उनका 30 रन करा है। औसत रैक रहा है 47.44 का रहा है। लिस्ट ए में बात करें 9 मैच की 9 इनिंग में उन्होंने 20 रन बनाए हैं, 11 रन उनका हाई स्कोर रहा है और उनका स्ट्राइक रेट 32.25 का रहा है। T20 की बात करें तो 9 मैच की 5 इनिंग में उन्होंने 42 रन बनाए हैं, हाई स्कोर उनका 17 रन का रहा है और स्ट्राइक रेट 84 का रहा है। उनके फर्स्ट क्लास के डेब्यू की बात करें तो उत्तराखंड वर्सेस नागालैंड के मैच में 13 दिसंबर 2022 को उनका डेब्यू हुआ। लिस्ट ए में डेब्यू की बात करें राजस्थान वर्सेस हिमाचल के मैच में जयपुर में 23 जनवरी 2021 को उनका लिस्ट ए में डेब्यू हुआ। T20 की बात करें तो तमिलनाडु वर्सेस राजस्थान के मैच में उनका 9 नवंबर 2019 में डेब्यू हुआ। करियर बेस्ट की बात करें तो नागालैंड वर्सेस ओडिशा के मैच में उन्होंने 73 रन देकर 4 विकेट लिए हैं और उसके बाद नागालैंड वर्सेस उत्तराखंड के मैच में उन्होंने 20 रन बनाए और साथ ही में बॉलिंग में उन्होंने 45 रन देकर 3 विकेट और 66 रन देकर 3 विकेट लिए उन्होंने। इसके अलावा नागालैंड वर्सेस ओडिशा के मैच में उन्होंने 29 रन देकर 5 विकेट लिए, जो उनका बॉलिंग बेस्ट रहा है। देखते हैं अगर उनको चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में चांस मिलता तो उनका बॉलिंग परफॉर्मेंस किस तरह का रहता है। ये था गाइस, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।